मेरे अति प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूं। यही जगह है विश्व की जागृति केंद्र। दुनिया में चारों जहां में प्रभु अपने जागृति को लाना शुरू कर दिए। जहां जहां पर अभी जागृति हो रही है, इसलिए उस जागृति की सूचना के लिए यहां रखे। विश्व भर में जागृति के लिए लोग दुआ करते हैं और कार्य भी करते हैं। उनका कहते हैं जागृति की प्रार्थना के सदस्य, घरेलू प्रार्थना दल, छोटे बच्चों की जागृति की प्रार्थना दल, जवानों की जागृति का दल और महिला प्रार्थना के जागृति का दल इस प्रकार रखे हैं। व्यापार करने वाला प्रार्थना का दल और पुलिस डिपार्टमेंट में प्रार्थना का दल, एक एक विभाग में इस प्रकार की जागृति के लिए करोड़ों लोग प्रार्थना करने के लिए शामिल है। वे प्रार्थना करते हैं, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता। वे जहां पर रहते हुए प्रार्थना करना है और जागृति में क्या करना है, इस प्रकार यहां से हम उनको सलाह देते हैं। प्रतिदिन बहुत लोग यहां पर आते हैं और उस जागृति की प्रार्थना का दल में इकट्ठे होके शामिल होके वो प्रार्थना करते हैं। आप भी यहां पर आ सकते हैं, सूचना प्राप्त करके प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, आज परमेश्वर हमारे लिए क्या वचन रखा है? यशाया 54 अध्याय का 4 वचन में, मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। मेरी बेटी, मेरे बेटा, कभी नहीं डरना, तेरी आशा कभी नहीं टूटेगी। क्या सबों के बीच में मेरा सिर झुक जाएगा, मैं लज्जा का या शर्मिंदा होना पड़ेगा? सारे लोगों के सामने मेरे सिर को झुकना पड़ेगा। किसी भी कार्य के लिए अब बहुत चिंतित है, अब बहुत घबराए हुए और मन में सोच रहे मेरे जीवन में आगे क्या होगा। प्रभु कहता मेरा बेटा डरना नहीं, मेरी बेटी कभी नहीं डरना, क्योंकि परमेश्वर आपकी आशा कभी टूटने नहीं देंगे। मेरी सेवा में भी मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ, जो परमेश्वर ने वादा किया कुछ विलंब होने से, सारे लोगों के सामने मैंने सोचा था क्या मेरा सिर झुकना पड़ेगा, सब लोगों के सामने निंदा अपमान को सहना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा तुम्हें कभी नहीं डरना है, मैं तेरे लिए वादा को पूरा करूंगा। परमेश्वर ऐसे ही सारे काम को पूरा किया। आप ही से परमेश्वर कहता मेरे बेटा कभी लज्जित नहीं होगे, मेरी बेटी तेरी आशा कभी नहीं टूटेगी। आज परमेश्वर कहता तुम्हें फिर से क्यों डरना है, परमेश्वर कभी भी आपको झुकने नहीं देंगे। मेरे पास एक परिवार आए थे, पति पत्नी, उनको बहुत साल से संतान नहीं था। वो परमेश्वर से प्रार्थना किए, परमेश्वर ने वादा किया है मैं तुझे खानदानी आशीष दूंगा, इसलिए उनको विश्वास आ गया। वे जाके बच्चों के लिए जो भी चाहिए कपड़े खरीदने लगे और बच्चों के खिलौना जूती सारी बातें खरीद कर रखे थे और उनका अंदर विश्वास था। सारे रिश्तेदार आके कहने लगे क्या आप कर रहे हैं? वो कहते परमेश्वर ने वादा किया उसको पूरा करेगा, लेकिन एक साल हो गया उनको संतान नहीं हुआ था। सारे लोग बहुत ही मजाक करते थे, सारे रिश्तेदार आश्चर्य से वो देखने लगे, लेकिन इनका अंदर घबराहट आ गया क्या होगा, परमेश्वर का वचन पूरा होगा नहीं होगा। परमेश्वर ने बातें किया तुम्हें कभी भी मैं लज्जित नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारे लिए जरूर आशीष दूंगा। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा उनको विश्वास दिलाया। सारे लोग हंसी मजाक किए, सारे लोगों का मुंह बंद हुआ था, तो परमेश्वर ने वहां पर देखे अभी वक्त आया करके प्रभु उनके लिए संतान को दिया है और जो भी हंसी मजाक किए वे सारे लोगों का सिर खुद झुकना पड़ा। वही परमेश्वर आप ही से कहता मेरा बेटा मेरी बेटी मैं तुम्हें कभी भी लज्जित होने नहीं दूंगा। परमेश्वर कहता मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर निंदा अपमान को सह लिया, तुम्हें कभी भी अपमान नहीं सहने दूंगा। आइए हम प्रार्थना करें, हे प्रभु तू मुझे कभी भी लज्जित नहीं होने देंगे, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। इस बेटा इस बेटी के जीवन में आज तू अद्भुत काम करना है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन।